55 वर्ष बाद परिलोक में एक बार फिर से नए पंख तैयार हो रहे हैं। दो दिन के बाद आने वाला पंख दिन तो और भी विशेष होगा, क्योंकि इस बार हमने ये तय किया है कि ये पंख परिलोक में किसी परी को नहीं बल्कि पृथ्वी लोक के किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दिए जाएंगे। बालवीर, परियों, मेहर को पंख देने से पहले हम उन्हें अपनी शक्तियां देंगे। हम देखेंगे कि मेहर हमारी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है। अगर वो इन शक्तियों का प्रयोग किसी का भला करने के लिए करेंगी तो वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल सही पहचाना महे, हम पर्याई हैं। क्या आप पर्याय हैं? हाँ। लेकिन आप यहाँ मेरे घर में? हाँ महे, हमें ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परिलोक की परंपरा के अनुसार तुम्हें मानव परी बनने का मौका दिया जा रहा है। अभी नहीं महर, ये पंख प्रतीकात्मक है, तुम्हें सच्चे पंख बाद में मिलेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें परियों वाली जादुई शक्तियां भी मिलेगी। हाँ महर, और परिलोक आने का मौका भी। परिलोक? मैं परिलोक को देखूंगी और मुझे पंख मिलेंगे, मैं उड़ूंगी बिल्कुल पंछी की तरह। और एक मिनट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? महर, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ, ये बात तुम्हें गुप्त रखनी होगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब तुम सो जाओ, क्योंकि कल सुबह उठते ही तुम्हें शक्तियाँ मिल जाएंगी। हाँ, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे कैसी शक्तियां मिलेंगी। महर, वो तो तुम्हें मिलने पर ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है ये सिर्फ तुम पर तय करता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन शक्तियों का उपयोग तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर करना है। अच्छा महर, अब हम चलते हैं। ठीक है। कल रात मैंने कोई सपना देखा था, क्या वो सच था? नहीं नहीं, सच होता तो मेरे पंख होते, लेकिन नहीं है। बेटा मेहर। हाँ? बेटा क्या देख रही है? चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर स्कूल को जाने में देर हो रही है ना बेटा। हाँ पापा। परियों ने कहा था कि मुझ में शक्ति है, एक बार चेक तो करूं, चेक करने में क्या जाता है। ये बटर मेरे पास आ जाए। Thank you.
ये तो सचमुच में आ गया। एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ, वो ढोकला मेरे पास आ जाए। ढोकले का बॉल तो अभी यहाँ था, वहाँ कैसे चला गया? पापा, अब इसको थोड़ी ना पैर निकला है। माँ, अभी ढोकला मैंने यहाँ से लिया था। अरे वाह, ये तो काम कर गया। एक लास्ट बार और ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन परियों ने कहा था कि शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे वो देखो, पंखा को क्या हो गया? ये टेबल गायब हो जाए। टेबल वापस आ जाए। क्या हुआ फैन को? कुछ भी तो नहीं हुआ है। इसका मतलब परियों ने जो कहा था वो सब सही है। ऐसा लगता है कि मेहर जादू का उपयोग अपने लिए कर रही है। ये ठीक नहीं है। मेहर चलना, आज कोई दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर क्यों? वो मोंटू रेडी होगा हमारी बैंड बजाने के लिए। लेकिन हमारे पास तो बैंड है ही नहीं, वो क्या बजाएगा? कुकी, बैंड बजा का मतलब होता है कि वो हमारी टाइटें फिश कर देगा। वो तो मैं करूंगा ही। तुम्हारी टाइटें फिश करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बॉस बहुत थक गया है, इसलिए तुम सब पिद्दी मुझे उठाकर स्कूल लेके जाओ। मोंटू के बच्चे, बहुत दादागिरी कर ली तूने। अब दिखाती हूँ दादागिरी होती क्या है। आज मानव मोंटू का बॉस बन जाए। ये क्या कर रहे हो आप बॉस? पागल हूँ बॉस। देना पागलपन के दौरे में कुछ और करने के लिए कह दे, उससे पहले हम यहाँ से भागते हैं। चल पागल बॉस। अरे बॉस, अरे बॉस कहाँ जा रहे हो? गुस्सा तू 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 दो बॉस। I'm sorry बॉस। बॉस मैं मुर्गा बनता हूँ बॉस। बॉस मुर्गा तो नहीं हो पाए, कुछ और बनू। केवल, ये हाथी मुर्गा कैसा बन गया? पता नहीं यार, इधर जाके देखते। अरे बॉस क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अक्कल बेच खाई।
ज्यादा चपट चपट मत कर। एक काम करो, तुम ना बॉस के दोस्तों के बैग्स ले लो। अरे बॉस, आपकी तो इज्जत है नहीं, तो कम से कम हमारी इज्जत करो, फालतू मत करो। ओ बॉस, मैं नहीं, बॉस मानो बॉस है। अभी तू भी चुप बैठ, मैं तुझे भी एक रख के दूंगा। जाओ बैग लो। हाँ दोस्तों, मोंटू इतना कह रहा है तो हमें बैग दे देने चाहिए। हाँ बॉस, दीजिए बैग, दीजिए बैग, दीजिए दीजिए, रख के लेंगे। बॉस आप कुछ खाएंगे? चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। और आपके दोस्त? आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। जाओ, बॉस के लिए एक इंपोर्टेड चॉकलेट और उनके दोस्तों के लिए आइसक्रीम लाओ। लेकिन बॉस। जाओ। बॉस, आइए आइए। ठीक है बॉस। हाँ, आइए। बॉस, ये आपके लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट और ये आप सबके लिए आइसक्रीम। ए, जब तक बॉस और उनके दोस्त आइसक्रीम खा नहीं लेते ना, तब तक तुम नाच के उनका एंटरटेनमेंट करोगे। पर बॉस, बॉस बॉस इज ऑलवेज राइट। नाचो। बस हो गया, बॉस और उनके दोस्तों का आइसक्रीम खाके हो गया। एक काम करो, तुम बॉस और उनके दोस्तों की बैग लो और क्लासरूम में पहुंचाओ। क्या? हाँ हाँ, उठाओ उठाओ। अरे बॉस बॉस बॉस, आप कहाँ जा रहे हो? अगर बॉस आप मेरे होते हुए क्लासरूम में चल के जाओ, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, मैं आपको उठा कर लेकर जाऊंगा। बालवीर, मेहर अपनी शक्तियों का उपयोग सच्चाई और अच्छाई के लिए नहीं बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए कर रही है। क्या? पर हमें डर है बालवीर कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मेहर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगी। हाँ बालवीर, और अगर ऐसा हुआ तो मेहर कभी भी परी नहीं बन पाएगी। रानी परी, आपको भी मेहर की योग्यता पर संदेह? हमें संदेह नहीं है बालवीर, लेकिन अभी से इस फैसले पर पहुंचना तो उचित नहीं होगा बालवीर। हाँ बालवीर, हम परियां केवल मार्ग दिखा सकते हैं, पर मार्ग पर चलना तो मेहर को ही पड़ेगा ना। बालवीर, हम सब चाहते हैं कि मेहर पंख प्राप्त करे और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग वो दूसरों की मदद करने के लिए करे। हाँ बालवीर, उसे ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि पंख तैयार होने में अधिक समय नहीं है। हाँ बालवीर। रानी परी, रानी परी, आपके आदेश के मुताबिक वो लाया मैं यंत्र जिसमें देखकर ये पता चलेगा कि है बचा कितना समय पंख तैयार होने में। बहुत ही कम समय बचा है पंख तैयार होने। मेहर को अपनी योग्यता साबित करके ये पंख लेने ही होंगे, नहीं तो इस पंख चट्टान की 55 साल की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। परियों ने कहा था कि शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना, लेकिन क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? Thank you.
देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे खेलने नहीं देते। देखो रोना बंद कर दो और मुस्कुरा दो। इसके दोस्त फुटबॉल छोड़कर इसके साथ खेले। अरे अरे मेरे बोलने में तो गड़बड़ हो गई, ये फुटबॉल की जगह बच्चे को उछालने लगे। सब पहले जैसा हो जाए। देख मोंटू, मुझे मेरा बैग वापस निकाल के दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा पिद्दी, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ऑर्डर दे रहा है? हाँ। ए, तुझे तेरा बैग चाहिए होगा ना, तो जाके खुद ले ले। देखना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।